हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद यतीमन। बीएड स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है। चाहे आपने बीएड किसी भी स्टेट से किया हो, बिहार एस टेट 2023 सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का विज्ञापन जारी हो गया है और आवेदन आज 9 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी क्यों है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार में बहुत बड़ी संख्या में जो है वो वैकेंसी आती है शिक्षक भर्ती की। अभी कुछ समय पहले जो है यहाँ पर सीधी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था, तो वहां पर अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए कहा गया था वो केवल 1 to 5 के टीचर बनने के ही योग्य हैं और सीटेट पेपर 1 यदि उन्होंने क्वालिफाई किया है तो केवल वहीं पर फॉर्म डाल सकते हैं। जबकि स्टूडेंट जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर रखी थी, बीएड कर रखा था, ठीक है, सीटेट 1 सीटेट 2 भी क्वालिफाई थे, फिर भी वह जो है 9, 10, 11, 12 के फॉर्म नहीं भर पाए। उसका कारण क्या था कि वहां पर जो है अगर अपने बिहार एसटेट क्लियर कर रखा है तो ही आप वहां पर फॉर्म भर सकते हैं। तो अब ये जो मौका है वो आप हाथ से जाने ना दें, क्योंकि यहाँ पर बिहार में बहुत बड़ी संख्या में, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी होता है। अगर आपने ये मौका अब छोड़ दिया तो नेक्स्ट ईयर फिर से जो है वो वैकेंसी बहुत बड़ी आएगी, तो वहां पर भी जो है वो आप लोग केवल प्राइमरी सेक्शन में ही एप्लीकेशन कर सकते हो। जिस स्टूडेंट ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, तो वो बिल्कुल भी प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाना पसंद नहीं करेगा, वो 9th से 12th तक के स्टूडेंट को ही पढ़ाना पसंद किया करेगा, क्योंकि तभी तो उसने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो किया है, साथ में बीएड किया है। तो यहाँ पर जो है वो सभी राज्य के कैंडिडेट अलाउ हैं। आप लोग यहाँ अगर बिहार एसटेट कर लेते हैं तो यहाँ पर जैसे ही डायरेक्ट शिक्षक भर्ती के बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आती है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे और यहाँ पर पीजीटी के लिए जो है वो आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये जो है इसका कंप्लीट जो है विज्ञप्ति है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटेट सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसको जो है वो मैं थोड़ा सा जो है बड़ा करके जो है वो आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से जो है यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। सबसे पहली बात, आपका जो यहाँ पर पात्रता परीक्षा होती है तो यहाँ पर बहुविकल्पीय रहती है और आपका जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं पेपर 1 में, अगर आपने एस टेट पेपर 1 पास किया तो 9th और 10th के टीचर जो हैं वो बनने के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आपने पेपर 2 यानी उच्च माध्यमिक ये आपने कर लिया हायर सेकेंडरी का, तो आप यहाँ पर 11th 12th को पढ़ाने के जो है वो टीचर बनने के योग्य हो जाएंगे। जैसे सेंट्रल में सी टेट होता है उसी तरीके से जो है ये टेट होगा, ठीक है, एस टेट। यहाँ पर जो है जो डीलेड जिन्होंने किया हुआ है वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे, ये केवल जो है एस टेट सेकेंडरी टीचर्स बनने के लिए जो है फॉर्म आया है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता 50% अंकों के साथ जो है वो बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो जिसने भी बीएड किया है किसी भी राज्य से किया है वो सभी एलिजिबल हैं। जिसने बीएड बीएससी बीएड 4 वर्ष का किया है, बीए बीएड किया है, वो भी एलिजिबल हैं। शारीरिक शिक्षा के लिए यहाँ पर कहा है कि आपने जो है वो शारीरिक शिक्षा में स्नातक और जो कि आपने 50% अंकों के साथ यहाँ पर ले रखी हो, या फिर आपने जो है शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक और बीपीएड अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ फॉर्म भर पाओगे। संगीत के लिए वही, आपने संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि और 50% अंक, ललित कला के लिए यहाँ पर स्नातक उपाधि ललित कला विषय में और 50% अंकों के साथ, यानी 50% मार्क्स जो है वो सभी में है। जैसे नृत्य के लिए नृत्य शिक्षा में स्नातक, और विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए यहाँ पर कहा गया है 50% अंकों के साथ स्नातक और साथ में विशेष शिक्षा में बीएड, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट के लिए कहा है कि मैथ जो है, मैथ सब्जेक्ट में अगर अपने स्नातक स्तर पर गणित के साथ जो है वो भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर आपने जो है वो पढ़े हैं, ठीक है, या फिर इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित यहाँ पर माना जाएगा। साइंस में कहा है कि आप जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, ठीक है, इस विषय में जो है वो आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, या फिर आपने जो है इंजीनियरिंग से स्नातक किया हो जिसमें विज्ञान की विशेषता होनी चाहिए। तो इसके अलावा इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, ये भी जो है इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। सामाजिक विज्ञान में जो है यहाँ पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इनमें से जो है 2 विषय में उत्तीर्ण किए हों जिसमें अनिवार्य रूप से इतिहास और भूगोल होना ही चाहिए।
भाषा से संबंधित विषय जो है माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर जो है वो पठित होना अनिवार्य कहा गया है। अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेपर टू। ये तो था 9th और 10th के टीचर बनने के लिए विषय। उसके बाद योग्यता थी। अब शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता यहाँ पर उच्च माध्यमिक स्तर यानी कि पीजीटी के लिए 11th 12th को पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट हिंदी उर्दू अंग्रेजी संस्कृत बंगला मैथिली मगही अरबी फारसी भोजपुरी प्राकृत गणित भौतिक विज्ञान रसायन शास्त्र इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र अर्थशास्त्र दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान और गृह विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है ये कहा गया कि 50% अंकों के साथ जो है वो आपने यहाँ पर स्नातकोत्तर यानी पीजी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो और बीएड किया हो। ठीक है, बाकी बीएड जो है या बीएससी बीएड आपने कर रखा है 4 साल का, तो इन सबको जो है शामिल यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर वाणिज्य विषय यानी कॉमर्स के लिए कहा है कि एमकॉम आपने कर रखा हो 50% अंकों के साथ और साथ में जो है वो प्रशैक्षणिक जो है वो अर्हता भी मांगी गई है। कंप्यूटर साइंस के लिए कहा है 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से DOEACC के स्तर की ए या फिर किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि और अगर आपने जो है वो बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी से कर रखा है या आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर रखा है तो भी आप जो है यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, और ये भी कहा है कंप्यूटर साइंस के लिए जो है कोई भी बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। कृषि विषय के लिए भी वही 50% अंकों के साथ सब्जेक्ट हैं एग्रोनॉमी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक एंटोमोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सॉयल साइंस और हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो इससे जो है वो आपने कर रखा हो स्नातकोत्तर की उपाधि। संगीत के लिए कहा है यहाँ पर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ जो है वो संगीत शिक्षा में आपने ली है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। विषय समूह जो है यहाँ पर क्या रहेंगे, तो फिजिक्स के लिए जो है यहाँ पर कहा गया है कि फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइड फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट बायोकेमिस्ट्री इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स कॉमर्स जो है यहाँ पर मास्टर डिग्री में आपने जो है ये कॉमर्स आपने कर रखी हो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, बॉटनी जूलॉजी के लिए बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस बायोसाइंस जेनेटिक माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मॉलिकुलर बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। मैथ में जो मैथमेटिक या अप्लाइड मैथमेटिक, तो ये विषय जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जो है वो आपने पढ़े होने चाहिए। अब जो प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, 150 अंकों का जो है वो आपका यहाँ प्रश्न पत्र जो है वो होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आवेदक जो है वो भारत का नागरिक हो किसी भी जो राज्य से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर जो है वो पेपर 1 पेपर 2 के लिए जो है वो एलिजिबल है। उम्र सीमा में जो है यहाँ पर छूट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी के जो है वो मैक्सिमम जो है वो 37 वर्ष है। ठीक है, बाकी जो है वो बिहार के कैंडिडेट को ही जो है वो मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो है यहाँ पर लिखा है कि उत्तीर्ण अंक यहाँ पर कहा है कि पास होने के लिए सामान्य जो है वो 50% अंक पिछड़ा वर्ग 45.5% अंक जैसे कि सीटेट में होता है। ठीक है, सीटेट में जो है वो 60% मार्क्स जो है वो मांगा जाता है सामान्य के लिए, यहाँ 50% और उसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5% और SC ST 40% पर दिव्यांग जो है वो 40% और महिला जो है उसको 40% अंक जो है वो चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम के लिए जो है यहाँ पर शुल्क कितना लग रहा है। जैसे किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो वो बिल्कुल ये समझिए कि सीटेट जैसे आप लोग एग्जाम देते हैं पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, तो दोनों ही पेपर जो है वो एक स्टूडेंट दे सकता है जिसने बीएड किया हुआ है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से है कि पेपर 1 और पेपर 2 अगर एक पेपर दे रहा है कोई भी चाहे पेपर 2 चाहे पेपर 1 तो ₹960 लगेगा सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है, अगर वही स्टूडेंट दोनों पेपर देना चाहता है तो 1440 फीस रहेगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग तो इनकी एक पेपर के लिए 760 है और अगर दोनों ही पेपर जो है वो देने के इच्छुक हैं तो ₹1140 रहेगी। नॉर्मलाइजेशन जो है यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों और तिथियों में जो है वो किया जाएगा। ठीक है, और अलग अलग जब पालियों में होगा तो अलग अलग कठिनाई स्तर के साथ अगर जो है क्वेश्चन पेपर होता है तो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाएगी। यहाँ पर प्रवेश परीक्षा की जो अवधि है तो ये मैंने आपको बता दिया है कि 150 मिनट और यहाँ पर 2.5 घंटे का जो है वो यानी 2.5 घंटे का समय होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है वह है 9/8 यानी आज से स्टार्ट है और ये जो है 23/8 तक जो है वो चलने वाले हैं। तो आप लोगों को जो है वो परीक्षा आवेदन पत्र भरने की जो विधि है तो इस जो है वो वेबसाइट पर जो है वो आप लोगों को जाना पड़ेगा। थोड़ा सा जो है मैं बड़ा कर देती हूँ, ये देखिए परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर भरने की जो विस्तृत विधि है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो बिल्कुल फटाफट से जो है इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लें।
तो आपने जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी जो है ये नीचे का जो है एक बार और ले लें, प्रमाण पत्रों को अपलोड करना, ठीक है। तो कौन कौन से प्रमाण पत्र जो है यहाँ चाहिए, मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, है ना। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन वाले यानी कि एसटेट 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्नातकोत्तर जो प्रमाण पत्र है उसको भी अपलोड करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।